हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुख के पश्चात दुख तो आते ही हैं, परंतु इस दुख के अंधेरे में मानव को अपने धर्म के प्रकाश से रास्ता बनाना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। महारानी जी, कुंवर जी आपसे विदा लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब विदा दो माता। सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो, सुखी हो। आज्ञा दें तो कुछ निवेदन करूं? कहो राम, क्या है? मां, अब मैं अकेला रह गया हूं, इसलिए यदि मुझे इस योग्य समझें तो कुछ काल के लिए मेरे पास अयोध्या में आकर रहे। मैं आपकी सेवा भी कर सकूंगा और कभी कभी थक हार कर आपकी गोद में अपना थका हुआ मस्तक भी रख सकूंगा। मैं अवश्य आऊंगी राम, मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हें देखने से मुझे तुम दोनों के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। लक्ष्मण, उर्मिल को, मांडवी और श्रुत कीर्ति को कहना कि मां ने बहुत बहुत स्नेह भेजा है। सबका कर्तव्य है कि राजा और बड़ा भाई होने के नाते राम की सब सेवा करें। भरत और शत्रुघ्न को मेरा प्यार देना। अच्छा मां। तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि हो। महाराज, विदाई से पहले इन्हें कुल देवता के मंदिर में अवश्य ले जाना। अवश्य। आओ राम। राम, लक्ष्मण, आज अपने कुल देवता के सामने खड़े होकर मैं तुम्हें जीवन का एक मूल मंत्र देता हूं। राम, जीवन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का आना अनिवार्य है। शुक्ल पक्ष की चांदनी सर्वदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष का अंधेरा सदा नहीं रह सकता। काल का धर्म है बदलना, दिन को रात में और रात को दिन में बदलना, यही काल की गति है। यही सोचकर मनुष्य को कृष्ण पक्ष से अंधेरे से घबराकर हताश नहीं होना चाहिए। सुख के पश्चात दुख तो आते ही हैं, परंतु इस दुख के अंधेरे में मानव को
अपने धर्म के प्रकाश से रास्ता बनाना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। निराशा की धरती पर आशा के बीज बोने चाहिए। यही बीजारोपण भविष्य में फल देता है। यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श।